friends, I am Mohammed Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the application of electrostatics. तो जैसा कि हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो हम उसे प्रैक्टिकली लाइफ में देखना चाहते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ ये हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो हम स्टार्ट से इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं चार्जेस के बारे में, और जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको बताइए कि इलेक्ट्रो मीन चार्जेस और स्टैटिक्स मीन एड्रेस चार्जेस एड्रेस, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें जो इसकी एप्लीकेशन हैं, जो प्रैक्टिकली लाइफ में इसका इस्तेमाल है, तो वो हम आज देखेंगे कि वाकई ही जो प्रैक्टिकली लाइफ है उसमें इसका कुछ रोल है या बस एम ही हम इसे जो है वो पढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका काफ़ी जगह पे रोल है हमारे पास, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब मैंने ये वर्डिंग लिखी थी तभी मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके दरमियान में पाई जाती है, जो कि स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने बताया था कि जो दीवारों को पेंट किया जाता है वो दीवारों के साथ चिपका क्यों रहता है, वो भी चार्जिंग की वजह से होता है और इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है। इसी तरह से मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। तो उनमें जो आपकी बुक में कुछ दी गई हैं, तो वो दो जो हैं वो आपकी बुक में दी गई हैं, जिनमें जो पहली जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ज़ीरोग्राफी, या उसको जियोग्राफी भी बोलते हैं, और दूसरा जो इसका नाम है वो आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, देखा होगा, उसका जो दूसरा नाम है वो है फोटोकॉपियर। तो सबसे पहले जो जियोग्राफी था उसकी जो कह लें कि उसका नॉलेज दिया था या उसके बारे में बताया था हमें, वो थे हमारे पास चेस्टर कार्लसन। चेस्टर कार्लसन ने इसके बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि फोटोकॉपी फोटोकॉपियर क्या होता है या जियोग्राफी क्या होती है। ठीक है जी, असल में जो जियोग्राफी है ये दो वर्ड से मिलके बना है जिसको हम जीरोज एंड ग्राफोस बोलते हैं। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है, ग्रीक वर्ड हैं, तो इनकी मदद से हम जो है हम अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है ड्राई राइटिंग। ठीक है जी, ड्राई राइटिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट हम किस तरह से अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम आज देखेंगे। फोटोकॉपियर तो आपने देखा होगा कि आप जो है वो फोटोकॉपी वाले के पास जाते हैं, उसको अपने पेज या नोट्स वगैरह देते हैं और वो मिनटों में आपको जो है वो करके फोटोकॉपी दूसरे पेज पे करके दे देता है। और तो किस तरह से उसके बैकग्राउंड पे क्या कौन कौन से जो काम हो रहे हैं वो आज मैं आपको बताऊँगा कि असल में फोटोकॉपी होती क्या है, और आज आपके सामने मैं फोटोकॉपी भी करूँगा। ठीक है, तो जो फोटोकॉपियर है वो असल में वो जो फोटोकॉपी मशीन है उसको फोटोकॉपियर बोलते हैं। फोटोकॉपियर जो है उसमें जो उसके मेन पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले जो उसका मेन पार्ट है जिसको हर्ट ऑफ द फोटोकॉपियर भी बोला जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रम। ठीक है जी, ड्रम जो है वो हर्ट ऑफ द फोटोकॉपियर होता है और ये एलुमिनियम का बना हुआ होता है। एलुमिनियम जो है वो एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक लैंप है। लैंप जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी फोटोकॉपी करते हैं तो वो जब फोटोकॉपी मशीन के ऊपर वाला हिस्सा को खोलता है जहाँ पे वो पेज प्लेस करते हैं, तब वो पेज प्लेस करते हैं उसके साथ जब वो बटन प्रेस करता है तो नीचे से एक लाइट गुजरती है। ठीक है, वो लाइट जो है वो यहाँ से ही लैंप के थ्रू ही आती है। ठीक है, दूसरा उसमें तीसरा पार्ट जो है इसका वो पेजेस हैं। कौन से पेजेस? एक पेज वो जिसको हमने फोटोकॉपी करना है, एक पेज वो जिस पे फोटोकॉपी की जानी है। ठीक है, एक लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे इस बार अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा भी इसकी डायग्राम भी। ठीक है, फिर टोनर आता है, टोनर एक पाउडर लाइक होता है। ठीक है, पाउडर जो है वो जो है हमारे पास कार्बन प्लस पॉलीमर जो है इसका मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर आता है सेलेनियम कोटिंग। ठीक है, ड्रम के ऊपर जो है वो एक कोटिंग की होती है, एक लेयर चढ़ाई हुई होती है जिस वो एक मटेरियल की होती है जिसे हम सेलेनियम बोलते हैं,
और सिलीनियम जो है वो एक फोटो कंडक्टर है। फोटो मीन्स रोशनी एंड कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, जिसमें चार्जेज जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉन, और जो इंसुलेटर होता है उसमें चार्जेज मूव नहीं कर सकते। तो फोटो मीन्स हमारे पास होता है रोशनी और कंडक्टर मीन कंडक्टर, ठीक है जी। तो फोटो कंडक्टर क्या हुआ, व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट्स बिहेव एज अ कंडक्टर। जब हम इस मटेरियल को यानी कि सेलेनियम के ऊपर जब लाइट पड़ती है तब ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है, अदरवाइज ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव नहीं करता। चलिए अब जो इसका प्रोसेस है, किस तरह से फोटोकॉपी की जाती है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से की जाती है, ठीक है जी। सबसे पहले जो है हम इस लैंप से स्टार्ट करते हैं। लैंप क्या है जी, वो रोशनी है, ठीक है, रोशनी का सोर्स है, ठीक है। रोशनी यहाँ से निकलती है और इस पेपर के ऊपर जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब फोटोकॉपी करते हैं तो पेज जो है पेज को उल्टा करके उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, उसका फेस जो है वो डाउन होता है, तो उसके नीचे से एक लाइट गुजरती है, वो जो लाइट है वो इस लैंप के थ्रू गुजरती है, ठीक है। उस लाइट का बहुत ज्यादा रोल है, वो रोल क्या है अभी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पेपर है, ठीक है, जिसकी हमने फोटोकॉपी करनी है। इसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है पी, इसको मैंने इस वजह क्यों इस तरह से लिखा है वो भी मैं आपको बता, ठीक है। ये जो है पेज है जिसके ऊपर कोई वर्ड लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है, जो जगह खाली है, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वहां से लाइट जो है वो आएगी, टकराएगी और जहां से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद जहां पे कुछ लिखा हुआ है वहां पे जो लाइट है उसके साथ टकराएगी और फिर क्या होगी, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है लेंस। लेंस का सिर्फ इतना काम है कि ये जो आपका फाउंड का साइज है उसको कम या ज्यादा करता है, ठीक है। जो आपने डॉक्यूमेंट देना है उसके फाउंड को, उसके साइज को कम या ज्यादा, छोटा या बड़ा करता है, ठीक है। ये आगे ड्रम है, लाइट यहाँ से गुजरने के बाद अगर इसको यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज लाइट यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। तो ये आपको पता है, मैंने जैसे कहा कि ये ड्रम है और ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है, और ये एक गुड कंडक्टर है, तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया होता है। यहाँ पे इसके ऊपर एक और सिलीनियम की कोटिंग की हुई है, ये जो है जो मैंने डॉट्स यहाँ लगाए हुए हैं यहाँ पे रेड कलर में, वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे सिलीनियम की कोटिंग या सिलीनियम की लेयर जो है इसके ऊपर वो चढ़ाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आएगी और इस जो ड्रम है उसके ऊपर पड़ेगी। तो जैसा कि पहले बताया कि सेलेनियम जो है वो एक फोटो कंडक्टर है, तो यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है पेपर का, जहाँ से लाइट पेपर के ऊपर गई, जिस हिस्से से रिफ्लेक्ट होगी उस वो अपना इमेज जो है इसके ऊपर जो है वो सेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे उसका इमेज आएगा, इमेज कौन सा आएगा, इमेज वो वाला ही आएगा जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, जहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी वहां से लाइट इसके ऊपर आ जाएगी, और जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जो एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहां से जगह जो है वो वैसे ही हमारे पास डार्क प्लेस जो है वो यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे बाकी हिस्सा जो है ये वाला सारा हिस्सा जो हमारे पास होगा, ये वाला, ये सारा जो है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो लाइट हमें यहाँ पे लाइटन फेस जो है इसका शो होगा, और ये वाला जो है ये ब्लैक, ठीक है, वो हमें नजर आएगा। तो जो हिस्सा यहाँ पे लाइट होगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये सेलेनियम है जो कि एक फोटो कंडक्टर है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम है वो एक गुड कंडक्टर है, और जो सेलेनियम है वो उस वक्त बिहेव एज अ कंडक्टर करेगा जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। तो लाइट जो है वो कब पड़ेगी, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे आएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे आगे लाइट, और फिर क्या होगा, फिर यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है वो इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी।
ठीक है, तो जब ड्रम के ऊपर पड़ेगी तो वो जो सिलीनियम की कोटिंग है वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेगी, ठीक है। हमें पता है कि इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, सिलीनियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रिंकल किया गया है, इस ये मैंने यहाँ पे शो किया है कि असल में ड्रम जो है, ये पेपर नहीं है, ये ड्रम है, ठीक है। तो ड्रम का हिस्सा जो है शो किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है, नीचे इसके क्या है, एल्यूमिनियम है, तो जब लाइट इसके साथ पड़ेगी, नीचे से इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपस में मिलेंगे तो इनको न्यूट्रल कर देंगे। किन को न्यूट्रल करेंगे, जहां पे लाइट होगी, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आया है उस हिस्से को ये न्यूट्रल कर देगी। बाकी हिस्सा जो है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई वो कह लें कि ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स या कह लें कि ब्लैक जगह जो है वो एज इट इज ही यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो था वो सारा कह लें कि ब्लैक लाइट थी, रिफ्लेक्ट हुई थी, वो वाला हिस्सा यहाँ पे आया, और वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे उनके ऊपर लाइट पड़ी, सेलेनियम एज अ कंडक्टर बिहेव किया, और नीचे से इलेक्ट्रॉन जो है इसके ड्रम के जो कि एल्यूमिनियम का है, गुड कंडक्टर है, वो जब आपस में मिलेंगे तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा था वो सारे का सारा क्या आ जाएगा, न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिल जाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से कुछ जो है हमें लिखा नजर आएगा, ठीक है। और ये वाले चार्जेस जो है वो सिर्फ यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ पी वर्ड जो मैंने लिखा हुआ था उस शेप में रह जाएंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर जो है यहाँ पे जो पेज है आगे को फॉरवर्ड होगा जिस पे फोटोकॉपी कर रही है, और साथ ही इसमें एक टोनर जो पाउडर था, ठीक है, जिसको हमने नेगेटिव चार्ज जो दिया हुआ था, इसको पाउडर को नेगेटिवली चार्ज करके हम क्या करेंगे इस रूलर के साथ, कि कह लें कि ये रूलर है या ड्रम है और ये जो है इसका टोनर है, इसमें टोनर होता है इसके साथ अटैच होता है, ये जो रूलर है या ड्रम है ये इस तरह से, मैंने कहा कि ये रोटेट करता है, जब ये रोटेट करता है तो ये पाउडर जो है इसके साथ अटैच होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पाउडर जो है उसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा तो फिर पेपर को इसके नीचे से गुजारते हैं, रूलर घूमता है, उसके नीचे से जब पेपर गुजरता है, पेपर गुजरने के साथ ही तो जो इसके ऊपर वर्डिंग है उस पेपर के ऊपर आ जाती है, किसकी वजह से, उस पाउडर की वजह से, वो पाउडर जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर आ जाता है, फिर उसको मजीद अच्छे तरीके से उसको पेपर के ऊपर जोड़ने के लिए आगे लगाए होते हैं रूलर्स, ठीक है, हीटेड रूलर, ठीक है, इस तरह से कह लें कि इस तरह से रूलर्स लगे होते हैं, ठीक है, जिनके दरम्यान से पेपर गुजर के आता है, उसको हीट अप करते हैं ताकि अच्छी तरह से जो प्रिंटिंग है, जो उसकी वर्डिंग है, वो अच्छी तरह से उसके ऊपर जुड़ जाए, और हमें इस तरह से जो पेज है ये असल पेज है, ये उसकी फोटो कॉपी हमें देखने को मिलती है। तो ये था आज के लिए कि किस तरह से हम फोटो कॉपी मशीन से फोटो कॉपी करते हैं। एक बार दोबारा से इसका जो है वो रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें पहली एप्लीकेशन जो है जियोग्राफी है, जियोग्राफी है या फोटो कॉपी उसको बोलते हैं। दूसरी इंकजेट प्रिंटर है, वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है जियोग्राफी जो है इसको किसने पहले कॉन्सेप्ट दिया था, वो चेस्टर कार्लसन था। फिर जियोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक जीरोस और ग्राफोस, इसका जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसको हम कहते हैं कि ये ड्राई राइटिंग है, इसके जो पार्ट्स हैं वो ड्रम है, लैंप है, पेपर है, लेंस है, टोनर है जो कि कार्बन और पॉलीमर से मिलकर बना होता है, सेलेनियम जो है वो एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जब उसको लाइट में रखते हैं तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, जब उसको लाइट में नहीं रखते तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव नहीं करता, ठीक है। तो फिर इसकी वर्किंग के बारे में देखा कि यहाँ से लाइट आती है, पेपर के ऊपर फॉल करती है, पेपर के ऊपर जब फॉल करती है तो उन हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता,
ठीक है, जो आपने देखी होगी लाइनिंग होती है उनके दरमियान में स्पेसिंग होती है, वो व्हाइट वाला हिस्सा है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जहां पे व्हाइट वाला हिस्सा नहीं है ब्लैक है वहां पे लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, और जब वो लाइट जो है वो अपना इमेज इस ड्रम के ऊपर छोड़ती है, यहाँ पे लेंस जो है मैंने बताया कि वो साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस फोटो कंडक्टर जो है सेलेनियम के ऊपर आके पड़ती है, इसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ठीक है, और जब लाइट आएगी तो सेलेनियम एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा, जब कंडक्टर बिहेव करेगा तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो नीचे से जो जिसके ऊपर ये ड्रम था ना एल्यूमिनियम का, उससे नेगेटिव चार्जेज जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिल जाएंगे, कहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे ब्राइट एरिया था ठीक है, जहाँ पे ब्लैकन एरिया है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज ही उसके ऊपर जो है वो नक्श हो जाएगा ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो टोनर, टोनर एक पाउडर है जो कि इस ड्रम के साथ जब वो मूव करता है उसके साथ जो है वो लगा हुआ होता है, पाउडर के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं और पाउडर जो है वो उसके ऊपर जुड़ जाता है, जब पाउडर उसके ऊपर जुड़ जाता है तो हम क्या करते हैं नीचे से एक पेपर को गुजारते हैं जिसके ऊपर हमने प्रिंट लेना होता है, जब वो उसके नीचे से गुजरता है तो वो जो राइटिंग है वो जो वर्डिंग है वो जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होता है वो एज इट इज उस पेपर के ऊपर आ जाता है जो ब्लैंक पेपर है ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आगे रोलर लगे होते हैं हीटेड रोलर, इनके दरमियान से जो है यहाँ से पेपर गुजर के ठीक है आगे जाता है और जो प्रिंटिंग हुई होती है जो उसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है उसको मजीद अच्छे से उसको जोड़ देता है। तो इस तरह से जो हम सारा फोटोकॉपी का प्रोसेस जो है वो देखते हैं, वो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर नहीं कुछ आई समझ कुछ नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।